राधे राधे, आप देख रहे हैं वैदिक टीवी और मैं हूं आपके साथ मेघा। 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्रों के 9 दिन तक आपको आपकी राशि के हिसाब से कौन से मंत्रों का जाप करना है जिससे आपकी हर इच्छा माता रानी तुरंत पूरी कर दे। दोस्तों, नवरात्रि हिंदुओं का पवित्र त्योहार है। इसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। धार्मिक दृष्टि से इसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। नवरात्रि के दौरान पूरे 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की पूजा होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रि का पहला दिन हिंदू नववर्ष का आरंभ कहलाता है। अलग अलग राज्य में इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा कहते हैं और कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर इसे नवरेह के नाम से जाना जाता है। 9 दिन तक चलने वाले इस पर्व की शुरुआत घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना के साथ होती है और ऐसी मान्यता है कि इन 9 दिनों में अगर कोई भी श्रद्धा पूर्वक माता की पूजा करता है, उनके मंत्रों का जाप करता है तो माता रानी की विशेष कृपा उस पर बनी रहती है। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आपको नवरात्रि के 9 दिनों तक ओम ह्रीम उमा देव्यै नमः या फिर ओम महायोगाय नमः, एक बार फिर से मंत्र दोहराते हैं, ओम ह्रीम उमा देव्यै नमः, ओम महायोगाय नमः। आपको इस मंत्र का जाप करना है। मेष राशि के जो जातक हैं वो श्रद्धा के अनुसार 5, 7, 9, 11 या फिर 21 माला भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। बढ़ते हैं वृषभ राशि की तरफ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी मनोकामना पूरी हो तो नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक आपको ओम क्राम क्रीम क्रूम कालिका देव्य नमः या फिर ओम कार्काय नमः, आपको माता के इस मंत्र का जाप करना है। एक बार मंत्र फिर से दोहराते हैं, ओम क्राम क्रीम क्रूम कालिका देव्य नमः। वृषभ राशि के जो जातक हैं उन्हें 7, 9 या फिर 11 माला इस मंत्र का जाप करना है, आपका हर मनोरथ पूरा होगा। मिथुन राशि, आपको 9 दिनों तक ओम दुम दुर्गायै नमः या फिर ओम घोराय नमः इन मंत्रों का जाप करना है। आपको कम से कम एक माला इस मंत्र का जाप जरूर करना है। कर्क राशि की तरफ बढ़ते हैं तो आपको नवरात्रि के पूरे 9 दिन माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए ओम ललिता देव्यै नमः या फिर ओम हस्तनीय नमः इन मंत्रों का जाप करना है। आप चाहें तो रोजाना 108 बार इन मंत्रों का जाप करें। 108 का मतलब होता है एक माला। सिंह राशि की तरफ बढ़ते हैं। चैत्र नवरात्रि के दौरान जो कि 2 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं तो सिंह राशि के जातकों को जिस मंत्र का जाप करना है वो हम आपको बताते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः या फिर ओम त्रिपुरांतिकायै नमः इन मंत्रों का आपको 7, 9 या फिर 11 माला जाप करना है। कन्या राशि के जातकों की बात करूं तो नवरात्रि के पूरे 9 दिन आपको जिस मंत्र का जाप करना है वो मंत्र है ओम शूल धारिणी देव्यै नमः। इसके अलावा ओम विश्वरूपायै नमः। आपको इन मंत्रों का कम से कम 108 बार जाप जरूर करना है। तुला राशि की बात करते हैं तो आपको चैत्र नवरात्रि के पूरे 9 दिन ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम रोद्र वेताये नमः इन मंत्रों का जाप आपको श्रद्धा भक्ति के साथ करना है। आपको इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार जरूर करना है। इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होंगी और आपको मनचाहा फल भी देंगी। वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो इस राशि के जातकों को जिस मंत्र से देवी माता को प्रसन्न करना है वो मंत्र है ओम शक्ति रूपायै नमः या फिर ओम क्लीम कामाख्यायै नमः। इन मंत्रों का आपको नवरात्रि के पूरे 9 दिन 5, 7 या फिर 9 माला जाप करना है। धनु राशि की तरफ बढ़ते हैं तो जिनकी भी धनु राशि है उन जातकों को नवरात्रि में माता के किन मंत्रों का जाप करना है वो जानते हैं। आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय या फिर ओम गजाननाय नमः आपको इन मंत्रों का जाप करना है। इससे आपकी रुकी हुई सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मकर राशि की। अगर आप माँ दुर्गा की शीघ्र कृपा पाना चाहते हैं और आपकी मकर राशि है तो इससे अच्छा बेहतर मंत्र आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता। मंत्र कौन सा है? ओम पाम पार्वती देव्यै नमः
या फिर ओम सिंह मुखेय नमः। आपको इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप, आप चाहें तो दोनों मंत्रों का जाप नवरात्र के पूरे 9 दिन कम से कम एक बार जरूर करें। कुंभ राशि, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो तो आपको ओम पाम पार्वती देवी नमः या फिर ओम सिंह मुख्य नमः, इन मंत्रों का जाप आपको कम से कम 108 बार तो करना ही है। मीन राशि, दोस्तों अगर आपकी मीन राशि है और आप विशेष लाभ पाना चाहते हैं तो आपको चैत्र नवरात्रि के पूरे 9 दिन माँ दुर्गा के ओम श्रीम ह्रीम श्रीम दुर्गा देवी नमः, एक बार फिर से सुनिए, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम दुर्गा देवी नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है कम से कम 108 बार जरूर करें। वैसे आपकी जितनी भी श्रद्धा हो आप उसके हिसाब से मंत्रों का जाप कर सकते हैं, आपको धन की प्राप्ति हो। दोस्तों यहाँ जो बातें आपको बताई गई हैं ये विभिन्न आलेखों और मान्यताओं पर आधारित है, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, कोई भी मंत्र का आप जाप करें तो पूरी श्रद्धा और उसके ठीक उच्चारण के साथ करें। अगर आपका उच्चारण गलत होगा या बोलते वक्त आप लड़खड़ाएंगे, गलत बोलेंगे तो उस मंत्र का असर नहीं होगा। आप श्रद्धा के साथ सही उच्चारण के साथ भले ही आप धीरे धीरे करें लेकिन जाप सही करें। वैदिक टीवी में इतना ही, राधे राधे।